Hello student, I am Patel Chinal from Asomic Vidyalaya. Today we learn in Maths, Standard 6, Chapter number 12. Now today we learn a new topic, Proportion. Now what is Proportion? Proportion means, यहाँ पे आपको definition दी है, if two ratios are equal, we say that they are in proportion and use the symbol. यहाँ पे रेशियो में दो डॉट आते थे, यहाँ पे प्रोपोर्शन का सिंबल में आपको फोर डॉट दिए हैं और इक्वल टू इक्वेट रेशियोज. अब इसका मीनिंग क्या होता है? दो रेशियो अगर इक्वल है तो उनके बीच में यहाँ पे इक्वल टू का साइन या फिर तो यहाँ पे फोर डॉट रखा जाता है, उसे प्रोपोर्शन कहते हैं. चलो हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं. आपको यहाँ पे राइट इज करके एक बॉक्स दिया है, यहाँ पे लिखा है चेक वेदर द गिवन रेशियोज आर इक्वल, विच मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन. अगर वो इक्वल है, नीचे जो रेशियो दिए है वो इक्वल है तो वो प्रोपोर्शन में होंगे. इफ यस देन राइट देम इन द प्रॉपर फॉर्म. अगर ये रेशियो प्रोपोर्शन में है तो आपको उनको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है. नाउ फर्स्ट इज 1:5 एंड 3:15. चलो मैं आपको यहाँ पे एक सॉल्व करके बताती हूँ, बाकी आपको होमवर्क में करना है. नाउ हियर 1:5 एंड 3:15. चलो 1:5 मीन्स 1:5 इज इक्वल टू हम 1 ऊपर और नीचे 5. नाउ 3:15. 3:15 मीन्स 3 इन न्यूमरेटर एंड 15 इन डिनोमिनेटर. नाउ वी कैन सी दैट इन अ 3 एंड 15 हियर इज कॉमन नंबर. सो 3 मीन्स 3 वन्स आर 3 एंड 15 मीन्स 3 फाइव्स आर 15. चलो now we can see that 3 get cancelled. So here 1/5. So आप लोग देख रहे हैं कि 1:5 and 3:15 दोनों का आंसर सेम आया है. देन 1/5. इसका मतलब ये जो रेशियो दिए हैं 1:5 एंड 3:15 ये इक्वल है, विच मीन्स 1/5 इक्वल टू 3/15. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1:5, यहाँ पे प्रोपोर्शन का सिंबल 4 डॉट एंड 3:15. नाउ इसको रीड कैसे करना है? वी कैन रीड इट एज 1:5 एज 3:15. 1:5 एज 3:15. ओके, यहाँ पे मैंने एक आपको करके समझाया है. यहाँ पे बाकी के आपको यहाँ पे टोटल 5 ऐसे रेशियोज दिए हैं. ऐसे ही आपको चेक करना है, अगर एट द एंड दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं तो वो रेशियो प्रोपोर्शन में है, अगर उनके आंसर सेम नहीं आते तो वो रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं है. आपको PDF में बाकी के एग्जाम्पल काउंट करके दिए हैं. Now, next is example number 8. The ratios 25 gram is 30 gram and 40 kg is to 48 kg in proportion. यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया है. आपको चेक करना है कि ये जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं. चलो यहाँ पे आप देखो तो आपको यहाँ पे 25 gram is to 30 gram and 40 kg is to 48 kg को आपको चेक करना है. चलो यहाँ पे 25 gram is to 30 gram means 25 in a numerator and 30 in a denominator. Now जो भी cancel out होता है वो cancel out करते हैं. 25/30 which means 5 and 30 means 5 6. So we can see that 5 get cancelled. So answer is 5/6. Now 40 kg
to 48 kg means 40 upon 48. So we can see that 8 5 are 14 and 8 6 are 48. So here also 8 get cancelled. So answer is 5 upon 6. Now we can see that both answer is same. So 25 upon 30 is equal to 40 upon 48. So we can write it as 25 is to 30 as 40 is to 48, which means 25 gram is to 30 gram and 40 kg to 48 kg are in proportion. Now next is example number 9. Here question is, are 30, 40, 45 and 60 in proportion? आपको यहाँ पे 4 numbers दिए हैं, आपको check करना है कि क्या ये जो numbers है वो proportion में है कि नहीं. तो हम यहाँ पे first 2 number का ratio and last 2 number का ratio निकालेंगे and check करेंगे कि उनका answer same आता है कि नहीं. तो now हम यहाँ पे 30 to 40 का रेशियो निकालेंगे. सो 30 इन अ न्यूमरेटर एंड 40 इन डिनोमिनेटर. सो 0 0 गेट कैंसल. सो इट्स अ 3/4. एंड 45 to 60 का रेशियो निकालेंगे तो वो 45 इन अ न्यूमरेटर एंड 60 इन अ डिनोमिनेटर. सो 45/60 यानी 45 मीन्स 9 5 एंड 60 मीन्स, या फिर 45 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 15 3 एंड 60 मीन्स 15 4. सो हियर 15 15 गेट कैंसल. सो इट्स अ 3/4. नाउ वी कैन सी दैट हियर आंसर 3/4 इज सेम. सो we can say that 30 is to 40 and 45 is to 60 are same. So उनके बीच में हम equal to लिखेंगे और इसको ऐसे proper form में लिख सकते हैं कि 30 is to 40 as 45 is to 60, which means ये जो चारों numbers थे 30, 40, 45 and 60 are in proportion. Now next is example number 10. Here question is, do the ratios 15 cm to 2 meter and 10 second to 3 meter form a proportion. यहाँ पे question mark दिया है, क्या ये जो ratio दो ratio दिए है ये proportion में है कि नहीं, हमें यहाँ पे check करना है. Now first of all we can see that यहाँ पे 15 cm है and उसका ratio 2 meter के साथ है. We can see that here unit are different. So first of all we convert the quantities in same unit. Okay, so या तो हम दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या तो दोनों को मीटर में. सो हम यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. हियर 15 cm to 2 meter. नाउ 15 cm एज इट इज 2 meter मीन्स 1 meter इज इक्वल टू 100 cm. सो 2 meter इज इक्वल टू 200 cm. नाउ वी कैन फाइंड द रेशियो. So 15/200. Now 15 means 5 threes are 15 and 200 means 40 multiply by 5. So 5 get cancelled. So here 3/40 वो बाकी रह जाता है. अब 3 and 40 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये रेशियो हुआ. चलो नेक्स्ट क्या है, 10 second to 3 minute. Now 10 second to 3 minute. Now we can see that here also unit are different, so we can convert it in the same unit. So we can convert 3 minute into second. Now 10 second to, now 1 minute is equal to 60 seconds. So 3 minute is equal to 3 multiplied by 60 is equal to 180 second. Understood? Now we can find the ratio. So here 10 in a numerator and 180 in a denominator. We can say that here 0 0 get cancelled. So in a numerator here 1 and here denominator 18.
So it's a 1 upon 18 and here 3 upon 14. So we can say that yahan pe 15 upon 200 is not equal to 10 upon 180. यानी कि ये जो आपको रेशियो दिए हैं वो प्रोपोर्शन में नहीं है. तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, बाकी का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.